नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस समय एक बहुत बड़ी समस्या आई हुई है, जो लोग पोर्टेबिलिटी ज़्यादा करते हैं उनके साथ है ये समस्या कि पोर्टेबिलिटी का चालान इस बार प्राप्त नहीं हुआ। बहुत सारे हमारे कोटेदार ऐसे हैं कि जिनके पास होता क्या है दरअसल में कि जहाँ पे ज़्यादा दूरी है, मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत बहुत बड़ी है और एक कोने पर एक कोटेदार हैं, तो ज़्यादातर जो पब्लिक है दूर वाली वो अपने नज़दीकी कोटेदार के पास शिफ्ट हो जाती है। ऐसी कंडीशन में तो ऐसा बहुत सी जगह पर है जहाँ पर एक कोटेदार को कम से कम 30-30, 40-40 क्विंटल तक की पोर्टेबिलिटी निकालनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में जिन कोटेदारों ने ज़्यादा पोर्टेबिलिटी की थी उनके साथ ये समस्या हो गई है कि अब पोर्टेबिलिटी का चालान नहीं आ रहा है, और चालान ना आने की वजह से अब ये समस्या खड़ी हो गई कि जो लोग रह गए हैं वो लोग परेशानी का कारण बन रहे हैं। हालांकि परेशान भी हैं वो, ऐसी बात नहीं है, परेशान भी हैं, कोटेदार भी परेशान है। और जब इस विषय पर जानकारी हमारे चैनल ने जुटाई तो पता चला कि ये जो पहला वितरण था, जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है 5 महीने की बढ़ाई है, इसकी वजह से इस बार नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट टाइम ये बिल्कुल सब कुछ सही होने लगेगा। शायद है कि जो राशन है वो कम आया या बचा नहीं था, पहले से नहीं था, ये जो भी कारण उन्होंने बताए हैं वो इस संबंध में है। उनके पास अभी अन्न अनाज नहीं है पहली बार पहला उठान होने की वजह से, क्योंकि पहले जो हमारा प्रथम वितरण जो हुआ है इसी महीने का उसमें कोई समस्या नहीं आई है, लेकिन इसमें समस्या आई है और बताया ये जा रहा है कि अगले वितरण से इसमें भी समस्या नहीं रहेगी। लेकिन समस्या ये है कि अब वो कोटेदार क्या करें जिन लोगों ने बांट दिया राशन और उनके कुछ या तो खास या जो भी हैं पुराने अपने जो कार्डधारक थे वो रह गए, उन लोगों सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। हालांकि इस तरीके के कार्य भी हमारे प्रशासन को नहीं करने चाहिए, इससे समस्याएं पैदा होती हैं। एक कार्डधारक जो लगातार किसी जगह से ले रहा है, उसने ले लिया, जो रह गए वो कहाँ जाएं? तो मैं, हमारे जो कोटेदार बंधु हैं, मैं उनको अपने चैनल के माध्यम से यही राय दूंगा कि, और मैंने पहले भी एक आध बार आपसे ये कहा है कि पोर्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा सीमा तक मत खींचिए। ऐसी समस्याएं हो सकता है कि अंतिम वितरण 5वें महीने में जो आया था समस्या कि चना नहीं मिला, पोर्टेबिलिटी जो आपने उठाया उसमें चना नहीं मिला, लोगों को चना नहीं दिया, तो उसमें भी थोड़ी सी नाराजगी रही कार्डधारकों की। तो इस तरीके से जो बचे 50 क्विंटल है आपका कार्ड, आपके 5 क्विंटल बच रहा है, तो उस 5 क्विंटल में ही प्रोक्सी करें तो ज़्यादा बेहतर है, तो कभी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन अब जिन लोगों ने कर दिया है, जो लोग फंस गए हैं, उनके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से यही राय दूंगा कि आपके जो भी आसपास नियर के जो कोटेदार हों जिनके पास राशन बचा हुआ हो, उन लोगों से बात कर लें इस बार के लिए और उनकी मशीनों से राशन निकलवा दें, उनको राशन उपलब्ध करा दें। यही एक विकल्प आपके पास है, समय भी नहीं है, एक दिन ही बचा हुआ है खाली वितरण के लिए, तो ज़्यादा विचार भी नहीं करना है क्योंकि राशन सबको देना है। इसलिए आपके जो भी निकटतम हों, आपके मित्र हों, उनकी मशीन पे स्टॉक रह गया है तो आप उनसे उनके अंगूठे लगवा कर वहां से आप उनको राशन दिलाइए अपनी जिम्मेदारी पर, क्योंकि जो भी भरोसा जो कार्ड धारक की अगर नाराजगी होगी या भरोसा टूटेगा तो वो सिर्फ कोटेदार से टूटेगा, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, थोड़ा आपको परेशानी भी उठानी पड़ेगी। तो जो भी करें, जैसे भी करें, आप उन लोगों को राशन जरूर दिलवाएं, कोई भी राशन से वंचित ना रह जाए, क्योंकि चूंकि अगर आपने निकाला है तो कहीं ना कहीं से स्टॉक भी बचा होगा, इस तरीके से मेंटेन करें, क्योंकि आपको कोई उम्मीद नहीं रह गई है कि इस तरीके का कोई चालान निकलेगा और आपको पोर्टेबिलिटी का राशन दोबारा मिलेगा। आपको कैसा लगा? अगर आप कोई और भी चीज़ें जानकारी करना चाहते हैं उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप हमें बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। मैं अनुपम दीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद।